ये ना सी तंगवानी, ये ठोल वाला रास्ता नहीं है, उधर से उठाया है, तंगवानी बीच में आता है। जो मैं बता नहीं रहा था आपको, मैंने गाड़ी चलाई थी, हसनैन भाई को नहीं दी थी, उस्ताद हसनैन को। तंगवानी टोल वाला रास्ता, जैकमाबाद बीच वाला रास्ता जो है, उधर तंगवानी से उठाया हुआ है ड्राइवरों को। खैर बंदे पहुंचे हुए हैं, सलीम जान खान मदारी ने, सलीम जान खान मदारी ने, ये टोल से पीछे है तंगवानी। ऐसे अब कंदकोट शहर क्रॉस करके जाएंगे ना, आगे तंगवानी आता है। ऐसे अब ये तो पुल मुकम्मल है, पानी भी सफेद आ रहा है। आज साहब माशाल्लाह पुल बन, हाँ पुल ये बन गया ना आज साहब, अभी टेंशन नहीं होगा आज साहब। सीधा सीधा चल पड़े आज साहब, सीधा सही है, फिर आगे ये वो अतर। अच्छा चलो आज साहब, अच्छा ये रोड पकड़े, इस पहाड़ को बचा लिया है, खंबा देखे आज साहब बीच में छोड़ दिया है। अभी ऐसा साहब सपीना मोड़ को दे रहे हैं मेरे ख्याल में 10-15 मिनट, वो भी खतरनाक है वैसे पाकिस्तान की उतराई चढ़ाई। अच्छा आज साहब जब बारिश हो तो क्या करना चाहिए ड्राइवर को, आप जरा सीनियर हो इसमें क्या मालूमात देंगे? अच्छा गाड़ी स्लिप करती है साहब, कोशिश फिर क्या करें, पहले गियर में उतराई नहीं तो खड़ा भी कर सकते हैं साइड पर लगा रहे। हाँ हाँ खड़ा कर दे, वो एहतियात लाजमी है ना। राज साहब बोल रहे हैं कि जब पहाड़ों में बारिश हो ना, कोशिश किया करें सकून से, जितने भी हजरात ड्राइवर हजरात देख रहे हैं, आराम आराम से, क्योंकि गाड़ी स्लिपिंग करती है, ब्रेक कम पकड़ती है, ऐसे ना साहब ब्रेक बिल्कुल कम हो जाती है ना, तो बारिश में अगर बारिश हो भी जाए, खैर अभी तो नहीं है मौसम सही है, जब बारिश हो तो, बारिश के मौसम में अपना जो है जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं तो कोशिश किया करें बारिश के दौरान गाड़ी खड़ी कर दिया करें, नहीं तो पहला दूसरा गियर में चलाते रहें, स्टॉपर के जरिए अपने नीचे उतार हैं, क्योंकि उतराई में पहाड़ में ब्रेक, फिर जब वो उतराई में आते हैं ना वो, तो फिर गाड़ी फ्री हो जाती है ना। ऐसे आप कोशिश करें वो जब बारिश के दौरान, हाँ ऐसे पहाड़ को कैसे काटा है, पहले एक सिंगल रोड होती थी वो दूसरी तरफ, अब तो माशाल्लाह इमरान खान ने क्या ही बात है, इसलिए तो ऐसे बोलते हैं इमरान खान, इमरान खान ना जैसा कोई है ना माइक लाल पैदा होगा। ये देखें ये कुछ लोग बोलते हैं ना इमरान खान ने क्या काम कराया, देखो मेरे बच्चों ये इमरान खान ने ये काम किया हुआ है, हम तो गाड़ी वाले ना हम चलते हैं, देखो माशाल्लाह किस तरह काम कराया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, बोलते हैं नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ के दौर में कितने साल की पड़ी हुई थी ये रोड, इमरान खान के दौर में ये बनी हुई है अभी, ऐसे ना आज साहब बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ ना आज साहब पहले कितना ख्वारी होती थी, हमें टाइम पर भी नहीं पहुँच सकते थे। सिंगल रोड होती थी ऐसे, इधर भी डकैती हो जाती थी, याद है आपको, कई ड्राइवरों को इधर से लूट कर ले कर गए हैं, चले गए हैं, ड्राइवरों को भी इधर से उठा जाते थे, सिंध वाला काम बना हुआ था इधर भी, पता नहीं ड्राइवरों को क्यों उठाते हैं, बड़ों को उठाएं पता चले कि भाई पैसे तो देंगे, गरीब ड्राइवर क्या देंगे। ये बच्चे भाग रहे हैं, क्रॉसिंग टाइम भी नहीं देखते कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। ये भी ऐसे डेंजरस उतराई है ना, उतराई नजर भी आ रही है,
ये आई साहब कौन सी जगह है ये? अभी आगे इसके आगे कौन सा स्टॉप आता है साहब? तेल कंपनी वाला। अच्छा अच्छा तेल कंपनी वाला। हाँ सपीना मोड़ मतलब है आगे है यूँ बता दें ऐसे ना साहब? जो सख्त उतराई भी है चढ़ाई भी है। इधर वजन वाला साहब कौन से गियर में उतारे गाड़ी को? अच्छा वजन वाली गाड़ी। हमारी तो खैर बराबर बॉडी लेवल माल है। हम तीसरे में उतारे हैं साहब, चौथे में नहीं उतारे, फ्री हो जाएगी ना फिर, खतरा है ना। हाँ ये बात भी सही है साहब। कराक बचा हुआ है साहब 30 किलोमीटर। ये पुल बन गया है इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये पानी वाला नदी भी है, बस ये भी साल दो साल के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा रास्ता। अभी आज साहब चाय पी ली है, अभी डंडा फुल, अभी टच आज साहब डॉक्टर जो बोलते हैं चाय नहीं पिए ये है वो है, कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। हाँ ना मैं यही तो बात, फिर डॉक्टर क्यों खुद चाय पीते हैं आज साहब? मरीजों को रोकते हैं खुद पीते रहते हैं, नहीं तो खुद नहीं पिए ना, या तो फुल पाबंदी लगनी चाहिए। हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई थी आज साहब? नून वालों ने क्या कहा था कि एक कप सुबह पिए सिर्फ, एक कप शाम को, उनको पता नहीं हुकूमत को क्या तकलीफ हो गई थी आज साहब? पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, देंगे नहीं सिर्फ पैसा हम बचा कर दिए आवाम गरीब। एक और आज हमारी बुरी खबर भी आई है, बुरी खबर ये है कि तंगवानी में हमारी गाड़ी है राजनपुर में, 3 आदमी भी उठा लिए आज की तारीख में, तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या हाल वाल होता है। गाड़ी को जो है ना ब्रस्ट लगाया है, शीशे मिशे उसके टूटे हुए हैं, बेचारों के ड्राइवर तीन, एक छोटा बच्चा और 2 ड्राइवर भी उठा कर ले गए हैं तंगवानी में। पता नहीं ये कब तक कम सिलसिला चलता रहेगा, हमें खुद ही समझ नहीं आ रही है। ड्राइवरों को पता नहीं क्यों उठाते हैं, उठाएं अपने वडेरों को सरदारों को, फिर इनको भी चोरों को और बदमाश धड़ेलों को पता चले। जितने भी धड़ेल कोशिश किया करें गरीबों को ड्राइवरों को नहीं उठाया करें, उठाना है तो अपने बड़ों को उठाओ, तुम्हारे जितने मुतालबात हैं गरीबों को ले जाते हो, पता नहीं इनसे क्या मिलेगा ड्राइवरों को, ड्राइवरों की तनख्वाह होती है 20,000 बेचारों की, उठाओ अपने वडेरों को फिर पता चले तुम्हारी कितना डंडा देते हैं। कैसे आई साहब सही बात कह रहा हूँ ना? अपने वडेरों को उठाए ना, पता चले वडेरा लोग हैं जो। हाँ ना ड्राइवर से क्या मिलता है, अभी छोटा बच्चा भी आई साहब उन लोगों ने उठाया हुआ है, ड्राइवर की कॉल आई है अभी, वो बता रहा था खालिद कोसा। खालिद कोसा ने बोला है गाड़ी के दोनों आगे वाले भी टायर ब्रश थे और पीछे वाले भी,